हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें क्यों सीखना चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें यूँ सीखना चाहिए क्योंकि जो एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये बहुत ही एक टूल है जो बहुत ही पावरफुल है। ये यूज़ किया जाता है टू मैनेज डेटा, वेरियस टाइप ऑफ डेटा, टू मैनेज एंड एनालाइज वेरियस टाइप ऑफ डेटा। हर कंपनी के पास अपना खुद का डेटा होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए वो कुछ टूल्स यूज़ करती है, जिसमें से एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी एक टूल है। बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्रेजेंट टाइम में। और भी टूल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। ये बेसिक है, ये हर कंपनी में यूज़ होता है, हर कंपनी इसको यूज़ करती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, तो आप समझ सकते हो। तो मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पहले फर्स्ट ट्यूटोरियल में आपको सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो दूंगा इसका, पूरे का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पूरे का अच्छे से एक इंट्रो दूंगा। देन उसके बाद मैं हर ट्यूटोरियल में आपसे एक शीट बनवाऊंगा, जिससे आपको जो भी बताऊंगा मैं बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी वो सारी चीज़ें। तो मैं आपको पहले सबसे पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसका क्या है। ये तो ये क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट है, एम्प्टी शीट है, ये एम्प्टी शीट है, इसको हम वर्कशीट बोलते हैं। वर्कशीट है एक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है पहले तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक टेक्निकल डेफिनेशन बताता हूँ मैं इसकी, आप टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है इसकी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो यूज किया जाता है टू एनालाइज एंड मैनेज न्यूमेरिकल डेटा। ये यूज़ किया जाता है टू मैनेज एंड न्यूमेरिकल, टू मैनेज एंड एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा। तो इसमें कुछ टैब्स हैं, ये आपका रिबन स्टार्ट बटन है, आप यहाँ से न्यू वर्कबुक ओपन कर सकते हो, ओपन प्रीवियस जो आपने सेव कर रखी है उसको यहाँ से ओपन कर सकते हो, देन सेव कर सकते हो, सेव एस कर सकते हो, प्रिंट आउट चाहिए तो आप प्रिंट पर डायरेक्टली, आप शॉर्टकट्स भी हैं इनके, कंट्रोल प्लस पी से आप डायरेक्टली प्रिंट आउट भी कर सकते हो, और भी कंट्रोल प्लस एस से सेव कर सकते हो, कंट्रोल प्लस एक्स से कट कर सकते हो, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर सकते हो, कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो है आपके ये टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा रिव्यू, व्यू। आपके आपको सारी चीज़ों के बारे में डीपली बताऊंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ट्यूटोरियल्स को फॉलो करना बस, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूंगा, जिससे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शीट इसीलिए बनवाऊंगा ताकि शीट से ना आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, डीपली क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपके रिबन टैब्स हैं जो डेटा को फॉर्मेट करने के लिए वो बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इनकी हेल्प से डेटा को बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव बना सकते हैं डेटा को, सिंपली कैसे कहें तो। देन आपका ये जो है, ये आपका रिबन बार, इससे आप बोल्ड कर सकते हो, आप अपने फॉन्ट को बड़ा कर सकते हो, कलर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इसमें क्या है, ये कॉलम है जो एक ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, डी कॉलम है, ई कॉलम है। कॉलम्स में क्या है, आप देख रहे कि ए दे रखा है इसमें, बी दे रखा है, सी दे रखा है, ये सी कॉलम है, डी कॉलम है, ई कॉलम है, एफ कॉलम है, जी कॉलम है। तो इसमें क्या दे रखे हैं, ये कॉलम्स के नेम, ये ए कॉलम है। कॉलम्स में क्या दे रखा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स दे रखे हैं। और रोज़ में क्या दे रखा है, हमें नंबर्स दे रखे हैं, नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसमें रोज़ में नंबर्स दे रखे हैं और कॉलम्स में अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो जो इसका जहाँ पे ये मीट करते हैं, एक कॉलम और एक रो मीट करती है, तो वो एक फॉर्म करती है सेल, और हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। यहाँ पे ए कॉलम और फर्स्ट रो मीट कर रहे हैं, तो ये एक सेल फॉर्म करेंगे, इस सेल का एक यूनिक एड्रेस होगा। यूनिक एड्रेस क्या होगा, जो कॉलम है उसका नेम, देन जो रो है उसका उसका नंबर, जो रो है उसका नंबर। जैसे इसका हो गया, ये सेल है तो कॉलम क्या है, ए, रो क्या है, वन, तो इस सेल का एड्रेस हो गया ए वन। हर सेल का यूनिक एड्रेस होगा, जैसे इसका है डी, डी कॉलम 6 रो, तो इसका हो गया सेल का एड्रेस डी 6। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। आप सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में बता देता हूँ, जिससे अगले अगले हम ट्यूटोरियल में एक वर्कशीट बना पाएँ। तो सबसे पहले आपको कुछ भी एंटर करना है, तो एंटर करने के लिए आप सिंपल आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। देन आप कोई भी डेटा एंटर करना है, जैसे आपको, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे नेम्स मैं डाल देता हूँ यहाँ पे नेम्स। देन जो मैं सेकंड इसमें डाल देता हूँ कोई भी नंबर, जैसे नंबर डाल देता हूँ जैसे कोई भी सब्जेक्ट ले लिया, इंग्लिश इंग्लिश। देन नेक्स्ट में हमने ले लिया मैथ्स,
देन नेक्स्ट में हमने ले लिया कुछ भी, जैसे ले लिया कंप्यूटर, देन हमको इनको थोड़ा सा अब इधर हम क्या करेंगे, एडिशन एडिशन, देन इधर हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, देन इधर हम क्या करेंगे डिवीजन डिवीजन, देन इधर हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें देख रहे हो आप मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा ये बाहर जा रहा है, तो इसको करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको मैनेज करने के लिए हम इधर जाएंगे, इधर देखना, इधर फिर क्लिक करेंगे देन इसको देन क्लिक करेंगे देन इसको स्ट्रेच कर देंगे जहाँ तक चाहिए आपको। देखो आ गया इसके अंदर, अब हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं हेडिंग्स को, इसलिए हम पहले इसको सिलेक्ट करेंगे देन इसको बोल्ड करेंगे इधर जाके, देन इसमें हम कोई भी कलर इनपुट करेंगे, येलो कलर इनपुट कर दिया। अब हम यहाँ पे नेम्स डाल लेते हैं कुछ नेम्स, जैसे हो गया शो, देन मैं डाल देता हूँ यहाँ पे देन जो हमारा फर्स्ट टर्म डाल देते हैं इसमें कुछ भी, 45 डाल दिया 45 मैंने, देन इसमें 85 डाल दिया, देन इसमें 70 डाल दिया, देन इसमें 89 डाल दिया, देन इसमें मैंने कुछ भी एंटर कर दिया। क्लिक करके सिंटर आप सिंपल आपको एंटर वैल्यूज वैल्यूज एंटर करनी है, जैसे डेटा एंटर करते हैं उस तरीके से आपको यहाँ पे सारे इसमें वैल्यूज एंटर करनी है। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पर मैं आपको शुरू में वो बता नहीं सकता, आराम से बाद में बताऊँगा उसको मैं आपको। देन कुछ ही वैल्यूज डाल दी, देन 85 डाल दिया, देन 74 डाल दिया, देन 85 डाल दिया, देन हमने डाल दिया 101, देन 56। तो मैं आपको इसमें यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूँ, ये वाली चीज़ याद रखना आप, जैसे हमको कुछ 100 में से दिया हमने मार्क्स, 100 से ऊपर वैल्यूज हो जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी। डिलीट कर देता हूँ, एडिशन में वैल्यूज डाल दी मैंने, तो हमें ये तीन सब्जेक्ट्स हैं, तीन सब्जेक्ट्स में हमने 100 में से मार्क्स दिए हैं, तो 100 में से, तो अगले में बताऊंगा ये मेरे को एडिशन करना है, तो आपको ये तीनों सब्जेक्ट्स का एडिशन करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले इधर क्लिक करना है, देन आपको इक्वल टू आपको फंक्शन का यूज़ करना है, सम फंक्शन होता है सम के लिए, सम देन ब्रैकेट ओपन देन सेलेक्ट करना है तीनों सब्जेक्ट ड्रैग करके, लेफ्ट क्लिक देन ड्रैग देन क्लोज ब्रैकेट एंटर, और इसका आ गया सम, तीनों सब्जेक्ट्स का सम आ गया। देन हम आपको इसको इधर से नीचे से खींच दो, जो डॉट सा आ रहा है ना इसमें बॉक्स में, तो इसको खींच दो तो सबका सम आ जाएगा इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ पे आप कोई भी चेंज करते हो, 45 नहीं आप 55 नहीं आप यहाँ पे कर दो 88 एंटर, देखना यहाँ पे भी चेंजेस होंगे, इसलिए इनको यूज किया जाता है। अगर आप खुद से इनका सम डाल दोगे इधर तो चेंजेस नहीं होंगे, आपको खुद ही चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट करोगे इक्वल टू कोई भी जो जिसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे ये सिलेक्ट किया आपने माइनस, कोई भी सब्ट्रैक्ट करना है तो C2 जैसे कोई भी B2, तो आप एंटर कर दो सिंपल, तो ये हो गया और सम में आ जाएगा, ठीक है। ड्रैग कर दो ड्रॉप कर दो कुछ भी, मैं आपको सब्ट्रैक्शन बता रहा हूँ, आपको इसका कुछ वो नहीं करना, सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है इसी तरीके से डिवीजन होता है। आप कोई भी इक्वल टू, सबसे पहले इक्वल टू जो भी सिलेक्ट करना है, डिवाइड करना है जिससे भी, उसको सिलेक्ट करो एंटर कर दो, 1 आ गया, देन आपको ड्रैग कर दो, देन आप इसको ड्रैग कर दो, तो आपका ये आ गया। देन मल्टीप्लिकेशन के लिए आप कोई भी सिलेक्ट करो इक्वल टू, देन मल्टीप्लिकेशन के लिए आप सेलेक्ट करो इधर, देन इनटू कुछ भी जो भी आपको मल्टीप्लाई करना है जिससे एंटर, तो आप इसको ड्रैग ड्रॉप करके सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसमें अभी कोई वो नहीं है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ किस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको इसमें, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, इसमें थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक बता दिया है, अगले ट्यूटोरियल में आपको ये वाली शीट बनाना सिखाऊंगा बिल्कुल अच्छे से, इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। और मैं आपको बताऊंगा एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से स्टार्ट करेंगे आपका बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट होगा, यहाँ से बहुत डीपली सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा।
तो थैंक यू, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई हो इस वाली शीट में, हुई नहीं होगी वैसे कोई भी, इस वाली शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, बस सेलेक्ट करना है उसको। सबसे पहले इक्वल टू आएगा, एडिशन करना है तो सबसे पहले इक्वल टू, देन सम का यूज़ करना, आप वैसे भी कर सकते हो, प्लस का यूज़ करके ऑटो सम का भी यूज़ कर सकते हो आप। तो इस तरीके से आप एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिलीशन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ये सिंपल चीज़ें हैं सारी, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आपको इधर भी कोई प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को।